मतलब ये कि उन्होंने डिसाइड किया है कि अब मैं उनके साथ उदयपुर में रहूंगा। ये आपकी तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव चल रहा है। आपकी पढ़ाई का क्या होगा? कुछ नहीं होगा मीना। अरे तूने उन्हें समझाया कि तू ये फिर से कभी नहीं करेगा? समझाया? They don't listen anymore, यार। उदय जी देखिए, अगर वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं ना, मैं बात करता हूँ, मान जाएंगे? हाँ मीना बोल। हाँ हाँ ले जीतू भैया। वो उदय जी के पेरेंट्स ना उनको लेके जा रहे हैं कोटा से हमेशा के लिए। आप प्लीज आ जाइए ना जल्दी। कल सुबह तक इनका हम डिस्चार्ज फॉर्म बनवा देंगे, फिर आप इनको ले जा सकते हैं। आप ये फाइल बाहर दे दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। बिल्कुल ठीक ना आई। मैं जितेंद्र, इनका टीचर। हाँ, जानते हैं हम आपको, आप तो जीतू भैया हो, आपको कौन नहीं जानता। बड़ी तारीफ करता है उदय आपकी, फोन पे जब बात होती है तब जीतू भैया ने आज ये बोला, जीतू भैया ने आज वो सिखाया, जीतू भैया पर्सनली सबका बहुत ध्यान रखते हैं। यहाँ आकर पता चल गया कि आपने इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। मैम ये रोज क्लास आता है, मुझे लगा पढ़ रहा होगा। हाँ, यही ये पढ़ाई ही नहीं करता था यहाँ पर। यहाँ ये गेम्स खेलता है दिन दिन भर, यहाँ ये टेस्ट मिस करता है, और यहाँ इसने शुरू हो गया ड्रिंक्स करना इसका, और पता नहीं क्या क्या करता होगा ये। हम ना, हम माँ बाप जीतू भैया बहुत बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जतन और बहुत विश्वास से आप लोगों के पास भेजते हैं। कुछ रहकर पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनेगा, बड़ा करेगा अपने जीवन के साथ, लेकिन यहाँ तो ये सब चल रहा है। मैं किसकी जिम्मेदारी पर अपने बेटे को छोड़ूं यहाँ पर? यहाँ तो उसका ध्यान रखने वाला कोई है ही नहीं। ये बहुत बुरी संगतों में फंसता चला जाएगा यहाँ। मैम सर जी, एक्सीडेंट के समय भी पी रखी थी इसने, पूछिए आप। बताओ अपने जीतू भैया को उदय। मम्मी यार, मम्मी तो पूछो, बोलो ना। कल को कुछ हो जाता है तो किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा? हाँ, आप लोग तो ऐसे मूर्ख बन के खड़े रहेंगे हमारे सामने। अरे छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। मैम आप सही कह रही हैं, ऐसा है, मैं इनका टीचर हूँ। हजारों बच्चे आते हैं, सबका भैया बन के मैं उनकी देखभाल नहीं कर सकता। आपका बच्चा है, आपको जो करना है करिए, इसके साथ बेहतर होगा, इसको ले जाइए।